इन द लास्ट वीडियो वी अंडरस्टूड कि इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट क्या है और ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने की कोशिश करते हैं. सो हाउ इज इट डन, क्या है ऑर्डिनल अप्रोच, कैसे हम ये समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. अब लास्ट वीडियो में मैंने जब इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट समझाया तो हमने एक टेबल बनाया, एक डायग्राम बनाई एंड वी अंडरस्टूड कि आईसी का फंडा क्या होता है. लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो पिछले टेबल में दो कमोडिटीज़ की बात हो रही थी यानी एप्पल्स और बनानास की, और बड़ा क्लियरली दिख रहा था कि जहाँ एप्पल्स बढ़ रहे हैं वहीं बनानास की यूसेज कंजम्पशन घट रही है. नाउ द फंडा ओवर हियर इज़ कि भाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है कि जब दो कमोडिटीज़ खरीदने जाते हैं तो एक की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है और इस कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं. वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस. दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ विच इज वॉट इज MRS एंड वाई डज MRS डिमनिश. ओके, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. आईसी जो है, आईसी का जो कर्व बनता है वो आप लोगों को पता है पिछली क्लास से ऐसे बनता है. दिस इज द आईसी कर्व, राइट. नाउ आईसी कर्व की शेप ऐसी इसलिए है बिकॉज ऑफ डिमनिशिंग MRS. मैंने एक टेक्निकल सा वर्ड यूज किया, मैंने कहा आईसी कर्व की शेप ऐसी बनती है, करेक्ट. हम अभी प्लॉटिंग करेंगे, हमें दिख भी जाएगा. आईसी कर्व की शेप क्यों है ऐसी, इट इज बिकॉज जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऐसी बनती हैं. मतलब अगर हम एक कमोडिटी को बढ़ा रहे हैं तो एक कमोडिटी को हमें घटाना पड़ता है. इसके लिए जो टेक्निकल शब्द है वो है MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, और क्योंकि ये MRS घटता है इसीलिए आईसी का कर्व जो है ऐसा बनता है. तो हम कह सकते हैं द स्लोप ऑफ आईसी इज MRS. स्लोप का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है शेप. तो यानी आईसी की जो शेप है, जो स्लोप है, जो ऐसी बन रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS. MRS घटता चला जाता है इस वजह से आईसी की शेप ऐसे बनती है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज MRS है क्या. तो चलो ये भी समझते हैं. मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल यूनिट की जब भी बात करते हैं तो मार्जिनल शब्द आता है, ठीक है. रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू लेट गो ऑफ वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू हैव एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी इज नोन एज MRS. मैं फिर से बोल रही हूँ, मार्जिनल शब्द का मतलब, जब भी मार्जिनल देखो इकोनॉमिक्स में, खासकर माइक्रो में, वी आर टॉकिंग अबाउट एन एडिशनल यूनिट. तो मार्जिनल वर्ड आ रहा है तो मतलब एडिशनल यूनिट की बात हो रही है. रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना, एक दूसरे की जगह देना. अब समझना ये है किसको किसकी जगह देना. सो जिस रेट पे एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस करने को राजी है, छोड़ने को राजी है, क्यों, क्योंकि वो दूसरी कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट खरीदना चाहता है, उस रेट को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ बहुत ध्यान से सुनना. तुम मार्केट गए, तुम्हारी जेब में लिमिटेड पैसे हैं, तुम्हें एप्पल्स और बनानास खरीदने. अब तुम बनानास बहुत दिनों से खाते आए हो, पके पड़े हो तुम्हें और खाने का मन नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है कि यार पहले मैंने एक यूनिट ऑफ एप्पल खरीदा और 15 यूनिट ऑफ बनानास खरीदा. अब मुझे ऐसा लगता है कि यार बनानास बहुत खा लिए, तो चलो मैं थोड़े से बनानास छोड़ देता हूँ और उसकी जगह पे एक और यूनिट एप्पल का लेता हूँ. यानी मैं एज अ कंज्यूमर आई एम विलिंग, मेरी इच्छा है कि मैं बनानास को सैक्रिफाइस कर दूँ, ठीक है, और उस सैक्रिफाइस की जगह एक एडिशनल यूनिट एप्पल का ले लूँ. मेरा कोई भी रीज़न हो सकता है, हो सकता है मैं बनाना खा के पक चुकी हूँ, हो सकता है मेरा मन है एप्पल खाने का, वॉट एवर, ठीक है, ये मेरा कंज्यूमर बिहेवियर है. तो जिस रेट पे मैं बनानास को छोड़ने को राजी हूँ और एक एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल खरीदने को राजी हूँ, दैट रेट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक. अब इसी बात को टेबल से समझो. पहले मैं मार्केट गई, मैंने एक यूनिट एप्पल से खरीदा, 15 यूनिट बनाना से खरीदे, फिर मैं पक गई. तो नेक्स्ट टाइम व्हाट आई डिड इज मैंने 5 बनानास छोड़ दिए
इन ऑर्डर टू गेट वन यूनिट ऑफ एप्पल. तो मेरा एम आर एस क्या बना, 5:1, यानी आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस 5 यूनिट्स ऑफ बनाना इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ एप्पल. फिर से मैंने और 4 यूनिट ऑफ बनाना छोड़ दिए इन ऑर्डर टू गेट 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ बनाना. तो मेरा एम आर एस क्या बना, 4:1, 4 छोड़े 1 लिया. अगेन आई एम लीविंग 3 और फिर 1, सो माई एम आर एस इज 3 बनानाज हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ एप्पल, फाइनली 2 बनानाज फॉर 1 यूनिट ऑफ एप्पल. दिख रहा है? तो कहने का क्या मतलब है, जिस रेट पे 5, 4, 3, 2, 1, जिस रेट पे आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस बनानाज इन ऑर्डर टू गेट एप्पल्स इज नोन एज एम आर एस. और आईसी की इस शेप का लेना देना एम आर एस से है, क्योंकि एम आर एस घटती चली जाती है इसीलिए आईसी की शेप ऐसे बनती है. इसीलिए व्हाट यू विल रिमेंबर इज स्लोप ऑफ आईसी इज एम आर एस, यानी शेप ऑफ आईसी इज डिपेंडेंट अपॉन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. क्लियर है? अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन तो क्लियर है, इट्स द रेट, रेट तो वहीं से आ गया, एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वाई कमोडिटी टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी. मैं इसको एक्स और वाई भी बोल सकती हूँ, लेट मी कॉल दिस एक्स एंड वाई. ओके, नाउ ये देखो फॉर्मूला क्या है एम आर एस का. एम आर एस का फॉर्मूला है चेंज ऑफ वाई बाई चेंज ऑफ एक्स, जो कि इस केस में है चेंज ऑफ बी बाई चेंज ऑफ ए. पहला वाला कॉलम मैंने नील छोड़ा है बिकॉज आप जानते हैं चेंज कैलकुलेट करने के लिए पहले कुछ होना चाहिए, वो है ही नहीं, तो इसलिए चेंज नील. बाकी सब हमने एम आर एस जैसे मैंने अभी डिस्कस किया वैसे निकाल लिया. ठीक, फाइन. अब सवाल ये उठता है, अब इसमें एक बार जरा डायग्राम में प्लॉट भी कर लेते हैं. लेट्स प्लॉट दिस. सो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4 and 5 बनाना एप्पल, सॉरी, और यहाँ पे लेट्स से 1, 3, 6, 10 एंड लेट्स कॉल दिस 15 बनानास. ठीक है, तो चलो प्लॉटिंग करते हैं. एक एप्पल 15 बनाना 1, सो दिस इज 1a + 15b, ये तो पता चल रहा है आपको. सेकेंड 2 and 10, सो आई एम गोइंग टू दिस इज हियर, दिस इज 2a + 10b, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि हम कैसे बना रहे हैं. 3 पे 3 and 4, ओके दिस इज 3 and 6, सो 3a + 6b. फाइनली 4 पे इट इज 3, 4 and 3, सो 4 and 3, 4a + 3b, एंड फाइनली दिस इज 5 and 1, सो हियर वी आर 5a + 1b. दिख रहा है? अब मैं इनको कंबाइन कर देती हूँ. ये लो, आई हैव कंबाइन. ओके, डोंट गो बाय माई ड्रॉइंग. ओके, बड़ी बैड ड्रॉइंग है मेरी, सो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस. ओके, माई ड्रॉइंग इज रियली पथेटिक. होल्ड ऑन. So if you combine all these points, what you get is a IC curve. थोड़ा scale से अच्छे से बनाना तो ये curve proper बन जाएगा. Okay? Are we clear? Okay. So now the question is, अब मैं तुम्हें ये क्यों करवा रही हूँ MRS? क्या फंडा इसका? Question आता है 4 number का. Question क्या होता है? Explain the concept of MRS numerically. ओके, एक्सप्लेन वाई डज एम आर एस डिमनिश. ये 4 नंबर का क्वेश्चन है. अगर ये क्वेश्चन आता है, आप बिगिन करेंगे एम आर एस को डिफाइन करने से, फिर टेबल बनाएंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, और टेबल प्रॉपर यहाँ तक फॉर्मूला के साथ इसको बनाएंगे, और फिर आप एम आर एस के फंडे को समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि एम आर एस डिमनिश क्यों करता है. तो चलो, हमने अभी तक क्या समझा कि आई सी जी की शेप ऐसे बनती है, वो क्यों बनती है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से. ऑल क्लियर यहाँ तक? ग्रेट. आईसी की ये जो शेप है ये एमआरएस पे डिपेंडेंट है, यानी वो रेट जिस रेट पे कंज्यूमर एक कमोडिटी के कुछ यूनिट सैक्रिफाइस करने को राजी है इन ऑर्डर टू गेट दूसरी कमोडिटी के एडिशनल यूनिट्स. ठीक है, उस रेट की वजह से आईसी की शेप ऐसी है, वो भी उस रेट के घटने की वजह से आईसी की शेप ऐसी है. यानी आईसी इस तरीके से इसलिए दिखता है बिकॉज एम आर एस घटती जा रही है. अब एम आर एस घटने का क्या मतलब हुआ, ध्यान देखो. दो, यहाँ क्या है, 5, 4, 3, 2, दिख रहा है? जो रेट है ये घटती चली जा रही है. अब ये घट क्यों रही है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो तुम मार्केट गए, तुमने एप्पल खरीदा, 15 बनानास खरीदे, फिर तुम्हें लगा यार आई हैड इनफ ऑफ बनानास, सो लेट मी जस्ट लेट गो ऑफ बनानास, छोड़ो, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी बनानास की फॉल करेगी. क्यों?
पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। तो जब बनाना जी खाई जा रहे हो, 15 बनाना ले गए, एक एप्पल ले गए, बनाना जी खा रहे हो, तो तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगेगी। तो तुम क्या करोगे, तुम उसके कम यूनिट खरीदोगे, यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर। तो अब क्या हो रहा है, आप बनाना की क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, आप यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर, आपने बनानास को सैक्रिफाइस करना शुरू किया। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, धीरे धीरे क्योंकि आप बनाना सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं और एप्पल्स खरीदते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उल्टी हो जाएगी कहानी। अब तुम एप्पल्स ही खाई चली जा रहे हो, तुम बनानास नहीं खा रहे, तुम बनानास को छोड़ते चले जा रहे हो। सो व्हाट विल हैपन अगेन, व्हाट विल हैपन अगेन, बनानास की मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारे लिए बढ़ जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो तुम मार्केट गए, किसी कारण से तुमने बनानास को छोड़ना शुरू किया कि नहीं लेने मुझे बनानास, मैं एप्पल्स खरीदना शुरू करूंगा। ठीक है, धीरे धीरे क्योंकि तुम बनानास को नहीं खरीद रहे हो, कम कर रहे हो उसका खरीदना और एप्पल्स ही खाई चली जा रहे हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी बनानास की तुम्हारे दिमाग में बढ़ जाएगी। क्यों क्यों भाई, क्योंकि तुम बनानास खा ही नहीं रहे, तुम एप्पल्स ही खाई चली जा रहे हो, तुम बनानास छोड़ते चले जा रहे हो कि रहने दे बनानास नहीं खरीदने, एप्पल्स खरीदते हैं। तो हो सकता है बहुत टाइम निकल जाए जब बनानास तुमने खाए ही नहीं, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज बनानास की मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल कमोडिटी से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो आपके दिमाग में बढ़ती जा रही है बिकॉज आपने बनानास नहीं खाए हैं काफ़ी दिनों से। तो धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगेगा कि चलो, पहला टाइम तुम बोलोगे 5 छोड़ देता हूँ एक यूनिट लेने के लिए, फिर तुम्हें लगेगा नहीं यार अब 4 ही रहने देता हूँ एक एप्पल खरीदने के लिए। अब तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए बढ़ेगी, तो फिर तुम 3 छोड़ना पसंद करोगे, फिर तुम 2 छोड़ोगे, फिर तुम 1 बनाना छोड़ोगे इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल एप्पल। और ये तब तक जब तक तुम्हारी MRS 0 हो जाएगी, यानी तुम कहोगे बहुत हो गया, एप्पल्स बहुत खरीद लिए, बनानास तो बिल्कुल ही छोड़ दिए, अब मुझे बनानास नहीं छोड़ने, यानी आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस 0 बनानास टू गेट एप्पल्स, मुझे नहीं खरीदने एप्पल्स, मैं बनानास ही खरीदूंगा, मैंने नहीं छोड़ना बनानास को। ये सिचुएशन जब तक आएगी तब तक तुम्हारा, और इसी कारण से द रेट एट विच यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस बनानास कम होती चली जा रही है। पहले तुम बहुत खुश थे 5 बनानास छोड़ने में, बिल्कुल खुश थे एक यूनिट एप्पल का लेने के लिए, चल रहा था काम। फिर तुम्हें लगा यार अब 4 ही छोड़ता हूँ क्योंकि बनानास खाए नहीं, फिर भाई अब तुम एप्पल ही खाते चले जा रहे हो, तो अब 3 ही सैक्रिफाइस करते हैं, फिर 2 ही सैक्रिफाइस करते हैं, टिल द टाइम यू रीच द पॉइंट वेर यू से बहुत हो गए एप्पल्स, अब एप्पल्स नहीं खाने, अब आई वुड नॉट वॉन्ट टू सैक्रिफाइस बनानास। तो क्योंकि ये रेट घटता चला जा रहा है, यू आर विलिंग, इस लाइन को ध्यान से सुनना, यू एज अ कंज्यूमर आर विलिंग टू सैक्रिफाइस lesser and lesser units of commodity B in order to get additional units of apples, इसीलिए आपका जो MRS है वो घटता चला जा रहा है। यानी आप as a consumer, आपका मन कर रहा है कि आप कम 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 करें बनानास का sacrifice, क्योंकि आप apples ही खाते चले जा रहे हैं, आपकी marginal utility जो है बनानास की वो बढ़ रही है, इसीलिए now you don't want to sacrifice बहुत ज़्यादा बनानास, आप उसे कम करते जा रहे हैं, इसीलिए आपका रेट जो है वो घटता जा रहा है, एंड दैट इज वाई MRS इज डिमिनिशिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है IC के उसमें, क्योंकि पहली बात ये अकेला 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन व्हाई डज MRS डिमिनिश, जो मैंने अभी समझाया वो समझाना पड़ेगा। और एक और बात, प्रॉपर्टीज भी जब हम करेंगे IC कर्व्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आती हैं, उसका भी एक पॉइंट यहीं से डिराइव होगा। वील कम बैक टू दिस पॉइंट व्हेन आई डू द प्रॉपर्टीज अगेन, ओके। सो आई होप यू गाइज आर क्लियर कि MRS क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, टेबल कैसे वर्क कर रहा है, डायग्राम क्या है, एंड इवेंचुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लोप ऑफ IC क्या है और MRS डिमिनिश क्यों करता है। उम्मीद है कि तुम्हें एब्सोल्युटली क्लियर है। अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।